जब मियां बीवी में नफरत इस हद तक बढ़ जाए कि बात तलाक तक पहुंच जाए और बीवी थक जाए मुख्तलिफ वज़ाइफ करके, और शोहर की ज़हनियत पर, शोहर की गलत फितरत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इस अमल को आजमाएं, इंशाअल्लाह आपका शोहर आपके साथ मजनू जैसे मोहब्बत करेगा। अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया शाफे महशर मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम और उनकी आल तय्यिबीन ताहिरीन पर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कुरान में हर बीमारी का इलाज है, कुरान में नफ़रतों का इलाज है, कुरान में मोहब्बत के वज़ाइफ हैं, लेकिन इसको बताने के लिए सही आमिल का होना ज़रूरी है। आज का जो अमल मैं आपके पास लेकर आया हूँ, चूँकि जब डॉक्टर के पास हज़ारों मरीज आते हैं तो जो डोज और जो दवाई मरीजों पे ज़्यादा काम करती है, तो डॉक्टर अक्सर अपने पर्चे पे, अपने पेपर पर वही दवाई मरीज़ के लिए लिखते हैं। चूँकि अल्लाह पाक ने हमें भी रूहानी डॉक्टर बनाया है, लाखों के तादाद में लोग हर महीने हमसे राब्ता करते हैं, और जो वजीफा नफरत पे, नफरत को ख़त्म करने वाला और नफरत को काट देने वाला जो हमने लोगों को दिया, और सबसे ज्यादा मियां बीवी के रिश्ते को फायदा हुआ, तो वो ये अमल है। आपने ऐसे करने, अगर शोहर, अगर शोहर से बीवी नाराज है, या बीवी शोहर से नाराज है, या शोहर नाराज है बीवी से, या बीवी नाराज है शोहर से, ऐसे करने है नमाज इशा के बाद मुसल्ले के मुसल्ले पे बैठकर आपने अल्लाह का एक नाम है अल वदूद, आपने तस्बीह लेकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर फिर बिस्मिल्लाह एक मरतबा पढ़कर आपने या वदूदो या वदूदो या वदूदो इसको आपने 300 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 300 मरतबा आपने पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पाबंदी है, इसको अपना मामूल बना लेना है। और ख्वातीन माहवारी के दिनों में भी जब आजान हो जाए नमाज इशा के लिए, तो मुसल्ले पर बैठ कर 300 मरतबा इसे पढ़ें। अब अगर शोहर घर में खाता पीता है, और शोहर घर में बीवी के हाथ से खाता है, तो बीवी 300 मरतबा पढ़कर उस पर दम कर दे। अगर नहीं खिला सकता, बीवी नहीं खिला सकती शोहर को, तो शोहर की तरफ दम कर दें और अपने हाथों पे दम करके इसको अपने चेहरे पे मल लें। यह है तो 40 दिन का अमल, लेकिन हालात जैसे बाहर बेहयाई फैल रही है, मोबाइल में फहाशी है, और लड़कियां जो हैं वो मोबाइल में लोगों से कांटेक्ट करती हैं, और शोहर जो है गुमराह होने का ख़तरा है उनका, तो मेरे अपनी बहनों से ये इल्तिजा है कि इस अमल को पाबंदी से करें। इसकी आपको इजाज़त है एक मरतबा कमेंट्स बॉक्स में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लिख लें, और इस अमल को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उम्मत मुस्लिमा के वो मुसलमान बहन भाई जो तकलीफ़ में हैं उनको सहूलत पहुँचे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।